Thanks very much for staying with us. A breaking update coming in from the state of Uttar Pradesh, where there is more trouble for Samajwadi Party Neta Azam Khan. The Rampur District Administration has now passed an order to take back 173 acres of Johar Trust, which is headed by the former minister and his family. Now, the UP government has taken back 173 acres of Azam Khan's trust land. Additional District Government Council has said the order was to take back the land that was passed by the ADM administration after the court found that the Johar Trust was not following the conditions set by the state government during the sale of the land 2005. Going across to Vivek, who has more information with him. Vivek, kitna bada dhakka ho sakta hai ye Azam Khan ke liye? Because bataya ja raha hai 170 ke upar acre jitna land tha ab wo government records mein darj kiya jayega. देखिए, आजम खान के लिए एक बड़ा खतरा है. हालांकि पिछले तकरीबन डेढ़ साल से जौहर इंडस्ट्री को लेकर के उसके ऊपर तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं और उसी कड़ी में एक और कार्रवाई हुई है जिसमें जौहर इंडस्ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो फिलहाल योगी सरकार के नाम करी गई है, जो कि एडीएम कोर्ट द्वारा की गई है. हालांकि अभी इसको लेकर के अभी आजम खान के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो इस पूरे मसले को लेकर के फिलहाल सेशन कोर्ट में इसको लेकर के जाएंगे और उसके बाद अगर वहां बात नहीं बनती तो आगे फिर जिला न्यायालय में भी इस बात को लेकर के जाएंगे. चीजें ये है कि तकरीबन 173 एकड़ की जमीन है जो कि जौहर यूनिवर्सिटी की थी, जिसको जिसके कागजात को लेकर के, जिसके लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर के सरकार ने कागज मांगे थे, जिसको कि जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रस्तुत नहीं किए जा सके. तो इस पूरे मसले की जो कार्रवाई है वो एडीएम कोर्ट में चल रही थी और उसमें एसडीएम जो सदर है उसने ये पूरी जमीन फिलहाल कागज ना दिख पाने के कारण योगी सरकार के नाम जो जमीन के कागज हैं वो ट्रांसफर कर दिए हैं. धन्यवाद आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए. सो दिस इज द यूपी रेवेन्यू एक्ट रूल्स दैट वर बीइंग वायलेटेड बाय द ट्रस्ट एंड इट हैज बीन फाउंड दैट द लैंड विल नाउ बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट इन इट्स रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. लेट्स मूव ऑन टू अदर नेशनल अपडेट्स.